राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने आज राजस्थान लोक सेवा आयोग पहुंचकर सचिव को ज्ञापन सौंपा। उपेन यादव का कहना है कि अक्टूबर 2022 में 6000 पदों पर आयोजित होने वाली स्कूली व्याख्याता भर्ती परीक्षा और दिसंबर 2022 में 9760 पदों पर आयोजित होने वाली वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम अब तक जारी नहीं किया गया है, जिसके चलते अभ्यर्थियों में निराशा का माहौल है। 6 महीने बीत जाने के बावजूद अब तक परीक्षाओं का परिणाम जारी नहीं हुआ, ऐसे में वह काफी परेशान है। इसके साथ ही न्यायालय में लंबित पशु चिकित्सक भर्ती 2019 फूड सेफ्टी ऑफिसर AAO भर्ती के जल्द निस्तारण को लेकर भी सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा गया। उनका कहना है कि आगामी दिनों में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्तियों का परिणाम भी जारी होगा, ऐसे में इससे पहले स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी किया जाना चाहिए, जिससे कि सभी को राहत मिल सके। उपेन यादव ने बताया कि आगामी दिसंबर माह में विधानसभा के चुनाव हैं और आचार संहिता कुछ महीनों पहले ही राजस्थान में लग जाएगी, ऐसे में बेरोजगार युवाओं को आचार संहिता से पहले नियुक्ति मिल सके इसे लेकर सरकार को प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि आगामी जुलाई तक इन सभी का रिजल्ट जारी करते हुए बेरोजगार युवाओं को राहत दी जानी चाहिए। वह वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा की गई है। उन सभी भर्तियों का विभाग वाइज वर्गीकरण करते हुए उसकी जानकारी जारी की जाए, जिससे कि युवाओं को राहत मिल सके। इस सभी विषयों को लेकर आज ज्ञापन सौंपा गया। उपेन यादव आज 5 सदस्यों के साथ ही सचिव से मिलने पहुंचे थे। RPSC के बाहर धारा 144 लागू है, ऐसे में सिविल लाइन थाना प्रभारी और जाप्ता भी मौजूद रहा, जिसके चलते कोई प्रदर्शन न करते हुए सिर्फ ज्ञापन दिया गया। गौरतलब है कि पिछली बार जब उपेन यादव ज्ञापन देने पहुंचे थे तो उन पर लाठियां चलाई गई, यह पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना रहा। 2022 में 6000 पदों पर स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी, वही दिसंबर में 9760 पदों पर सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा आयोजित हुई, दोनों का परिणाम नहीं जारी हुआ। 6 महीने हो गए हैं फर्स्ट ग्रेड को, लगातार मांग कर रहे। आज RPSC सचिव साहब को ज्ञापन सौंपा, उन्होंने कहा कि लगभग RPSC के द्वारा स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का परिणाम तैयार कर लिया गया, पूरी तैयारी है। जैसे ही फुल कमीशन में उनको हरी झंडी मिल जाए, इसका परिणाम जारी कर देंगे। उन्होंने जल्द कहा है, कभी भी इसी वीक में भी परिणाम जारी होना शुरू हो सकता है। इसके अलावा सेकंड ग्रेड में थोड़ा समय लगेगा। नई भर्तियों की मांग हमने की है, जो RS की है, प्रोग्रामर की है, और जो पहले वाले RS की, जो 2021 की जो साक्षात्कार तिथि की मांग हमने साथ में रखी है, साथ में जो न्यायालय में जो लंबित है, फूड सेफ्टी ऑफिसर पशु चिकित्सक भर्ती AAO जो लंबित है, न्यायालय से निस्तारण करके तत्काल उन भर्ती को पूर्ण करने की मांग हमने RPSC के सामने रखी है। तो उन्होंने आश्वासन जरूर दिया है कि हम प्राथमिकता के साथ उनको निस्तारण करवाएंगे और स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का परिणाम जल्द ही जारी होंगे, एक एक विषय के लगातार जारी होंगे और वो सबको देखने को मिलेंगे, यह आश्वासन उन्होंने हमें दिया है। और लगातार हम प्रयास करते हैं 7 तारीख को शिक्षा मंत्री जी से भी बड़ी संख्या में उनके निवास पर मिलने का प्रोग्राम हमारा रहेगा। बिल्कुल, हम लगातार मांग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की थी, मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब से वार्ता हुई थी, और दोबारा फिर मुख्यमंत्री से हम मिलने जा रहे हैं थोड़े दिन बाद, क्योंकि हम मांग कर रहे हैं जो 1 लाख प्रक्रियाधीन भर्तियाँ हैं वो जुलाई तक पूरी हो, और उसके बाद जो 1 लाख बजट में जो घोषणा की गई थी उनका विभाग वाइज वर्गीकरण हो, बताया जाए कौन से विभाग में कितने पदों पर भर्ती आ रही है, कब उसकी एग्जाम होगी, उसका कैलेंडर भी जारी हो। लगातार हम मांग कर रहे हैं, हम सड़क से लेकर जहां भी हो हम लगातार संघर्ष जारी हमारा है, और उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार संवेदनशीलता दिखाते हुए 1 लाख पदों पर हमारी जो हमने मांग की, हमने अन्न का त्याग किया और उसके बाद उस बजट में 1 लाख पदों पर घोषणा की, तो उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी 1 लाख पदों का वर्गीकरण करके और जल्द से जल्द इनका कैलेंडर जारी करके प्रदेश के बेरोजगारों के साथ न्याय करेंगे।